कोरोना वायरस की बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान का आगाज किया है, जिसके चलते आगामी एक सप्ताह तक जिला भर में टीमें घर घर जाकर कोरोना वायरस के बारे में जांच करेंगी। इसी के चलते सीएमओ कार्यालय हमीरपुर में कर्मचारियों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने की। इस अवसर पर जिला शिक्षा सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लक्षणों व सावधानियों की जानकारी प्रदान करने और संभावित या संदिग्ध मामलों की जांच के लिए जिला में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के लिए 537 टीमें गठित की गई हैं। इन 2 सदस्यीय टीमों के 1174 सदस्य घर घर जाकर कोरोना के लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इन सदस्यों को सभी जिलावासी अपना सहयोग दें ताकि अभियान सफल हो सके। ये अभियान आज से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगा। जिला में अभी तक 49 लोगों को आश्रय स्थलों में क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी नियमित तौर पर वहां जाकर उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि अभियान के तहत घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी और टीम के द्वारा जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी में खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको इलाज के लिए पूरा गाइड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीम घरों में जाकर जांच पड़ताल करेगी कि कोई व्यक्ति कहीं पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर आया है या नहीं। सीएमओ सोनी ने बताया कि निजामुद्दीन मस्जिद में 44 लोगों की लिस्ट हमीरपुर पहुंची थी, जिन्हें पूरी पड़ताल की जा रही है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोगों का क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और 4 लोग हैं जिनका क्वारंटाइन पीरियड चला हुआ है। जैसे कि हमारे हायर ऑफिस के निर्देशानुसार, वर्दी एसीएस हेल्थ के निर्देशानुसार, ये 3 तारीख से हमारा अभियान जो एक्टिव केस फाइंडिंग है, हमारा जो अभियान है ये स्टार्ट हो गया है आज से। हमने कल, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमने किया है, कल हमने सारी टीमों को ट्रेनिंग पार्ट, उनको सेंसिटाइज करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में हमने कल सारा दिन में उनको अवगत करवा दिया है, ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर दिया है और आज से हमारी टीम्स फील्ड में जाना शुरू हो जाएंगी। ये एक हफ्ते का अभियान रहेगा, 3 से लेके 10 तारीख, टोटल 1 वीक का अभियान रहेगा, ठीक है। इसमें हमारी 537 टीम्स टोटल गठित की गई हैं और 1174 हमारे टीम मेंबर्स हैं और वो एक टीम में 2 मेंबर्स होंगे। एक मेंबर आशा वर्कर रहेगी हमारी और दूसरा मेंबर एज पर अवेलेबिलिटी हमारा हेल्थ वर्कर, हेल्थ सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आयुष के, आयुर्वेदा के मेडिकल ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, ये हमारी टीम ए के मेंबर्स होंगे। और ये घर घर जाके इनका टीम को हमने, पहली बात तो है कि टीम को हमने जो कुछ प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि आजकल जो इस वक्त स्थिति चल रही है कोरोना की स्थिति में, सबसे पहले तो हमें अपनी टीम की सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देने का है। तो हमने हर ब्लॉक में टीमों के हिसाब से फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स, ये 3 चीज़ें हमने हर टीम को उपलब्ध करवा दी हैं। जितनी की बीएमओज की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से हमने उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको करवा दिया है रादर। और कोई भी हमारे इसमें सख्त दिशा निर्देश हैं कि कोई भी हमारा फील्ड फंक्शनरी बिना इन प्रोटेक्टिव मेजर्स के फील्ड में नहीं जाएगा। वहीं जिला शिक्षा सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला ने कहा कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जिला भर में आज से स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम घर घर जाकर कोरोना वायरस बीमारी के बारे में जागरूक करेगी तो पूरी पड़ताल करेगी कि कहीं पर बीमारी से संबंधित जागरूकता है या नहीं। इसका नाम एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान है। इसमें हमारे आदरणीय सीमो मैडम अभी इसमें एक वीडियो भी जारी करेंगे और पूरी जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको तब तक ये इतना बता दूं कि जिला जनशिक्षा सूचना अधिकारी होने के नाते जो स्वास्थ्य शिक्षा में लेके ये जो प्रशिक्षण आज हमने टीमों को कराया, ये शहरी क्षेत्र की हमारी 11 टीमें हैं, इनको आज ट्रेनिंग देके, पासवर्ड देके, इनको इमीडिएटली प्रोटेक्शन के लिए मास्क और ग्लव्स सारी चीज़ें देके, सैनिटाइजर देके इनको भेजा जा रहा है और वो तत्काल गूगल ऑनलाइन जो डाटा है वो अपडेट के लिए वहाँ पे जाएंगे। इसके में मेरे साथ जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरविंद कौंडल हैं, वो एक टेक्निकल प्रशिक्षण जो है इसको सेशन को हैंडल कर रहे हैं और जो आईईसी में प्रिवेंटिव हेल्थ है या जितने कोई मिथ्स हैं या दूसरी जो क्वेरीज है उसके बारे में मैं साथ में सारी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और फैसिलिटेट भी कर रहा हूं। इस टीम का कार्य घर घर जाके लोगों से जो गूगल फॉर्मेट है उसमें जो सूचनाएं मांगी गई हैं
एक तो वो पूछेंगे, दूसरा जो उनका कार्य है वो लोगों को बचाव पद्धति जो कोरोना महामारी से बचने के तरीके बताएंगे, और तीसरा अगर किसी तरह का लक्षण मिलता तो उनको रेफर करेंगे, और चौथा सभी लोगों को क्वारंटाइन के लिए जो विदेशों से या किसी अन्य राज्यों से आए उनको उसके लिए तैयार करेंगे। पूरे जिला में, हर गांव में और हर शहर में हमारी टीमें, इस तरह से 2 सदस्यों की टीमें वो जाके जो है वो ये कार्य करेगी। थैंक यू।